तो हमारे साथ में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाला सिंह कुशवाहा जी हैं और हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे कि जो आपके ही गांव के हैं, आपने बताया था जो अध्यक्ष बने? रोटरी क्लब में मेरा पहले कार्यक्रम में पहली बार आना हुआ है और रोटरी क्लब के जो नए पदाधिकारियों का जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था और जिस तरह से रोटरी क्लब की जो व्यवस्था है, एक साल के बाद अध्यक्ष दूसरा चुन लिया जाता है और बड़ी पारदर्शिता के साथ रोटरी क्लब के सभी सदस्य मिलकर पूरी टीम मानव सेवा का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन्हें, उनको, अध्यक्ष जी को, उनकी टीम को, सभी रोटरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे ग्वालियर ग्रामीण के विधायक एवं खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जो कि आए हुए थे ग्वालियर रोटरी क्लब तेजस के शपथ ग्रहण समारोह में, जिनके साथ ग्वालियर की नई टीम ने शपथ ली। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माँ के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सारडा के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सबसे पहले आर.एन. स्वर्णकार को शपथ दिलाई गई। आर.एन. स्वर्णकार को अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ सचिव और अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली। कार्यक्रम के विशेष अतिथि साडा के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा से भी हमने इस कार्यक्रम के बारे में बातचीत की। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि साडा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं और कई तरह की समाज सेवाओं में जुड़े रहते हैं। हमारे साथ जय सिंह कुशवाहा जी हैं। सर, रोटरी क्लब जिस तरीके से ग्वालियर के अंदर काम कर रहे हैं, इनको आप किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहिए? रोटरी क्लब जो काम कर रहा है वो जसवार भाव से कर रहा है। जसवार भाव से काम किया हुआ भगवान का काम होता है, लेकिन जिस प्रेम भाव से निधि के काम करते हैं वो सहयोग करते हैं, पैसे भी खर्चा करते हैं और अपना सदा भी देते हैं। लेकिन जिस तरह से खास तौर से मेडिकल सुविधाओं में जो काम कर रही है वो वाकई सराहनीय है। बाकी भी प्लाटिकल में भी कर रहे हैं, सही जगह कर रहे हैं, सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि रोटरी क्लब का काम इस इलाके में भी बढ़ रहा है, देश में बढ़ रहा है, इसके लिए बधाई देता हूँ। हमारे साथ में इस तेजस जो क्लब है, रोटरी क्लब का जो तेजस जो एक संस्था है, रोटरी क्लब की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उसको चलाते हैं वो है हमारे साथ नरेश जैन जी। हम इनसे बात करेंगे। आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब आप लोगों को अध्यक्ष बना रहे हैं, तो मतलब इस रोटरी को इतना बड़ा बनाने में आपका बड़ा योगदान है, क्या कहना चाहेंगे रोटरी और रोटरी के नए सदस्य? रोटरी इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक समाज सेवा करने वाली संस्था है। इसको आज पूरे इसका जन्म अमेरिका के शिकागो में हुआ था और पॉल हैरिस इसके जन्मदाता हैं और पूरे विश्व के अंदर 117 वर्ष रोटरी हो चुके हैं और 117 साल के इतिहास में प्रथम बार हमारे रोटरी में महिला अध्यक्ष बनी है, जो कनाडा की हैं, जॉनिफर जॉन, जो कि विश्व की अध्यक्ष हैं। अभी हमारे भारत आई थी और काफ़ी समय उन्होंने भ्रमण किया और काफ़ी इंडिया को मतलब बहन किया समाज से। कभी बुलाना चाहेंगे? हाँ, हमारा सभी क्लबों का मिलकर के ये प्रयास अभी एक महीने से चल रहा है कि रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉनिफर जॉन्स को हम ग्वालियर एक कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे, सभी 14 क्लब ग्वालियर के मिलकर। अभी देखिए, बड़ी बात सर ने बताई है कि नरेश जी कि हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी ग्वालियर में बुलाएंगे और हमारे साथ में रोटरी के नए जो अध्यक्ष बने हैं आर.एन. स्वर्णकार, जो कि हालांकि रोटरी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं लेकिन इस बार अध्यक्ष की भूमिका में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो स्वर्णकार जी, एक नई जिम्मेदारी आपके पास आ गई है आपके कंधों पर, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई दबाव है या फिर लग रहा है कि नहीं अब और अच्छा काम करो? रोटरी एक सामाजिक संस्था है, इस प्लेट इसके प्लेटफार्म से अपन कई क्षेत्रों में उन्नति करते हैं, फ्रेंडशिप, व्यापार एंड कई सामाजिक काम। मैं चाहूँगा कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं अच्छे से निर्वाह करूँ
और इस रोटरी को ऊंचाइयों तक ले जाऊं और समाज में ऐसी प्रतिष्ठा रोटरी के प्रति रखूं और बने, ये मेरा पहले कर्म का। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह बस्ता, जिसको आज आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, उन्होंने बताया कि वो आपके ही गांव के थे, इसलिए उनको बड़ी खुशी हुई इस कार्यक्रम में आकर। क्या आपने भी जानबूझकर उनको इसीलिए बुलाया था कि वो आपके गाँव के थे? नहीं, मेरी सच्चाई ये थी कि मैं इतने बड़े राजनीतिक नेताओं के बीच में इस समाज को लाना चाह रहा था, जिससे उनके हृदय पटल पे ये पता लगे कि हम लोग क्या काम करते हैं और हम किस तरीके से इसको आगे उन्नति करते हैं। अच्छा, एक चीज में आप दोनों लोगों से पूछना चाहूँगा कि आज आपने जो मानद उपाधि जो दी हमको रोटरी का, जो सदस्य भी बनाया है मंत्री जी को, तो क्या लगता है कि इससे आपके संस्था को, आपके क्लब को एक नई ताकत मिलेगी? क्योंकि अगर मंत्री लेवल का कोई अधिकार आपके साथ जुड़ते हैं। ये बिल्कुल सच है, पिछली वर्ष हमारी इस क्लब की जो शपथ ग्रहण कराई थी वो माननीय माया सिंह जी ने कराई थी, इनका आशीर्वाद हमें आज भी है और हम ऐसे ही मंत्री हमारे भारत सिंह जी हैं जिन्होंने आज अपने मंच से घोषणा की है कि हम रोटरी के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे, जो भी सेवाएं हमसे मांगी जाएंगी वो हम मिलेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसी रोटरी के लिए जिनके मंत्री काल में दरवाजे खुले रहे, मैं ऐसा प्रयास करूंगा और रोटरी की इज्जत बनाना। रोटरी की इज्जत बनाना। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि मंत्री जी जुड़ गए हैं आपकी संस्था से? देखिए, हमारे पहले माननीय राज्यसभा सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन माया सिंह जी भी हमारी रोटरी क्लब ग्वालियर की सदस्यता हैं। उसी क्रम में हमने भारत सिंह कुशवाहा जी को भी आज मानद सदस्य की सम्मान किया है, वो हमारे क्लब के सम्मानीय सदस्य रहेंगे। इससे हमको सबसे बड़ा आत्मबल ये मिलेगा कहने को कि हमारे क्लब के अंदर भी जो कि हम लोग अपने स्तर पर सेवा करते हैं, वो प्रदेश स्तर पर समाज की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा गौरव और इससे और ज़्यादा बढ़ेगा। गौरव की बात एक ही है कि जो रोटरी तेजस है उसमें जो सीनियर लोग हैं, जैसे आर एन सोनकर हैं, नरेश जी हैं, उनके साथ साथ में युवाओं की जो संख्या है वो भी है, काफ़ी बड़ी संख्या है। और हमारे साथ में ऐसे ही एक युवा हैं अनुराग कुशवाहा जी, जो कि सेक्रेटरी हैं, इस साल के नए नए सेक्रेटरी बने हैं, और मैं मंच पर देख रहा था कि काफ़ी उत्साह के साथ में ये अपनी शपथ ले रहे थे। कैसा महसूस हुआ आज एक मंत्री के द्वारा आपको शपथ दिलाई गई? कोई जिम्मेदारी महसूस हो रही है? पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारा प्रति समर्पित है और एक सही समय है कि जब हम फिजिकल फिट रहते हैं तब समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। क्या प्लानिंग की है आपने कि आपको मतलब इस संस्था में जब आप जुड़ गए हैं, एक सेक्रेटरी जैसा पद आपको मिल गया है, इस साल आप क्या करना चाहेंगे जिससे इसकी जो संस्था की जो चार चांद है वो और बढ़ जाए? सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी के साथ मिलकर आगे की पूरी प्लानिंग रूपरेखा बनाऊंगा। हम अगर टीम में बहुत सुंदर प्रयास करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्यक्रम करिए, वृक्षारोपण किया है, सेवा करें। हमने कुछ दिनों पूर्व भी पिछले माह वृक्षारोपण का भी कार्य किया, ब्लड कैम्प मैंने बहुत जल्दी हम ब्लड कैम्प, शुगर कैम्प और भी तरह के मेडिकल कैम्प, साथ में जो है स्कूल के बच्चे जो कि समस्याओं से लचे तो सब समस्याओं का भी इलाज करेंगे, गरीब लोगों को, गरीब लोगों के साथ में तेजस से वाले रोटरी क्लब जो तेजस है उससे जुड़े हुए कुछ और भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो भी पार्टी के हमारे साथ में, पार्टी की आप बताइए कि जो तेजस संस्था का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत खुशी है, ये संस्था काफ़ी 2016 से काम कर रही है और समाज सेवा कर रही है और हमारा पूरा सहयोग तेजस क्लब के साथ है। जब भी तेजस को जहाँ भी जरूरत पड़ती है हमारे सदस्य के नाते जहाँ भी जरूरत पड़ती है सदस्य के नाते उपस्थित रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बोली बोली भैया भैया फायदा जो नहीं आएगी कि अच्छा कार्यक्रम चलता रहेगा, बढ़िया अच्छा कार्यक्रम चलता रहेगा। रोटरी का कार्य है मित्रता और समाज सेवा, और रोटरी पर्यावरण के लिए समाज सेवा में अपना मेडिकल कैंप लगाना और गरीबों की सहायता करना, ये रोटरी का मुख्य उद्देश्य है। मित्र का इन्होंने कहा कि मित्रता भी मतलब इसमें चलती है और समाज सेवा भी होती रहती है, ये दो दो फायदे आप लोगों को मिलते हैं कि नए नए मित्र मिलते हैं और समाज सेवा भी हो जाती है। आपने समाज सेवा अपना समय का सदुपयोग हो जाता है, समाज के लिए कुछ कर लेते हैं अपने बच्चे, नया जी तो समय मिलता नहीं है, द्वारा बहुत अच्छे से हो जाता है। थैंक यू। तो ये थे रोटरी क्लब के पदाधिकारी जिनका कहना है रोटरी क्लब के नए शपथ ग्रहण समारोह में नए सदस्यों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? रोटरी क्लब में
नए सदस्यों के बारे में मेरा ये कहना है कि उनको उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप रोटरी क्लब के नए सदस्य बने हैं। हाँ जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ जिम्मेदारी महसूस हो रही है कि अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा भी लग रहा है और कुछ कुछ जिम्मेदारी भी महसूस हो रही है कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है और जो सब लोगों की मतलब मेरे से अपेक्षाएं हैं वो उन्हें पूरा करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी महसूस हो रही है। अच्छा, रोटरी क्लब में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या जो है वो भी बिल्कुल पुरुषों के बराबर है, तो जो कहा जाता है कि आधी आबादी और बराबरी की, वो बात यहाँ पर सार्थक था मेरे को नज़र आ रही है। बिल्कुल सार्थक नज़र आ रही है और मैं सोच रही हूँ कि मतलब मेरी मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जानी चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो जाएगी। मैडम, आप क्या कहेंगी रोटरी क्लब के बारे में? आपने ज्वाइन किया है रोटरी क्लब? सर, मेरे हस्बैंड ने यहाँ मेंबरशिप की है लेकिन मैं इसको मेरी मेंबरशिप नहीं है, फिर भी मैं इसका पार्ट हूँ और हमेशा हर प्रोग्राम में मैं यहाँ सम्मिलित होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर और मैं इसके लिए आगे और भी जो भी एक्टिविटी क्रिएटिविटी के वो हों तो मैं इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उसमें और आगे कार्य करें। देखिए, कितनी अच्छी बात कही है कि भले ही मैं इस संस्था का विधिवत सदस्य नहीं हूँ, घर का एक हमारे सदस्य बन जाते हैं, पूरा परिवार ऐसा महसूस करता है कि हम रोटरी के सदस्य हैं और समाज सेवा का जज्बा जो है वो इन महिलाओं में भी बराबर हमको देखने को मिलता है। कार्यक्रम में नए सदस्यों का स्वागत बैच लगाकर किया गया। उनको विधिवत रोटरी का सदस्य बना। हमारे मुख्य अतिथि महोदय संत कुमार शर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं जो कि एक एजुकेटेड इंजीनियर से रिटायर है। विनय कुमार शर्मा जी आप आईटी के क्षेत्र में हैं। हमारे सुधीर कुमार जैन जो भारतीय रेलवे में सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है अभी सफली में। शपथ ग्रहण समारोह में आरबीएस लाइव इंडिया न्यूज चैनल के डायरेक्टर संजय भारद्वाज का मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने सम्मान किया। इस कार्यक्रम में रोटरी के पूर्व और नए सदस्य परिवार सहित पहुंचे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान गाकर सदस्यों ने किया। तो जैसा कि अभी पूरी टीम ने बताया हमको कि हम समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाएंगे, वृक्षारोपण, गरीबों की सेवा और अस्पतालों में जाकर के मरीजों की सेवा, बहुत सारे समाज सेवा के जो काम होते हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे और इस साल भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि रोटरी क्लब तेजस की आज जो पदभार ग्रहण हुआ है वो अपने कार्य को और अपनी जो शपथ उन्होंने ली है उसको अच्छी तरीके से अंजाम देगा और ग्वालियर के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। शुभ आशीष मागे आए तब जय दाता जनगण मंगल दायक जय है।